कहते हैं जब हालात विपरीत हो तो मनुष्य बिखर जाता है या फिर मजबूत होकर स्थिति से बाहर निकलता है। और ऐसी ही कहानी है दिल्ली की एकल श्रीहरिनगर संगठन प्रमुख सुमन बिष्ट की। जिस उम्र में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर जीवन को दिशा देने में लगे रहते हैं, उस उम्र में सुमन ने समाज सेवा का बेड़ा उठा लिया। सुमन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पड़ोस के बच्चों को भी शिक्षित करने का लक्ष्य रख लिया। साल 2012 में 12वीं पास करने के बाद सुमन ने एक सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसके बाद सुमन एकल अभियान से जुड़ी और एक साल तक आचार्य रही। उसके बाद संच प्रमुख का दायित्व भी संभाला। सामने कई सारी कठिनाइयां आईं, गांव वालों के ताने भी मिले, लेकिन सुमन रुकी नहीं। समाज सेवा और एकल अभियान को सफल बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया था उसे उन्होंने पूरा किया। सभी को मेरा एकल प्रणाम। मैं वर्ष 2012 में जब 12th का मैंने एग्जाम दिया था, उसके बाद मैं एक सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी कक्षा 5वीं तक के। उसके बाद एकल के कुछ दो कार्यकर्ता मेरे गांव में आए और एकल का विषय मुझे समझाया। एकल के बारे में ज़्यादा उस समय विस्तृत जानकारी नहीं दी, सिर्फ इतना बोला कि 5 दिन का प्रशिक्षण वर्ग लगने वाला है, आपको उस वर्ग में उपस्थित रहना है। और मेरा पहली बार मैं अपने घर को छोड़ के 5 दिन रहने के लिए मुझे जाना था, थोड़ा मन में डर भी था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई, करीब 60 बहनों का वो प्रशिक्षण वर्ग था, 2 संच के आचार्य का मासिक वार्षिक अभ्यास वर्ग था, तो उस अभ्यास वर्ग में जब मैं गई तो 5 दिन मैंने जो सीखा, बच्चों को मैंने सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाया था, लेकिन एकल अभियान की जो शिक्षा है, पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से हमने गांव में बच्चों को और ग्राम समिति को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से अपने गांव की जानकारी, अपने भारत की जानकारी गांव तक देनी है, ये मैंने एकल अभियान से सीखी। धीरे धीरे मैंने 5 दिवसीय जब वर्ग करके आई तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो लगा कि एकल में जो बात होती है वो भारत देश की होती है। हमारी जो हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाती थी, लेकिन मैं अपने सिर्फ बच्चों तक सीमित थी और उस समय मेरा जो उद्देश्य था सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना था, लेकिन जब मैं एकल अभियान के संपर्क में आई, अब मेरा जो उद्देश्य बना है वो भारत माँ की सेवा करना है, वो सेवा मैं एकल अभियान के माध्यम से ही कर पाऊंगी। इस प्रकार से मैंने एकल को अपना ध्येय बनाया। समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के बीच एक समय ऐसा भी आया कि सुमन का विवाह तय हो गया, लेकिन एकल अभियान के अभिभावक श्याम जी गुप्त को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सुमन से विवाह को 1 साल आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस दौरान सुमन मान भी गई, लेकिन उन्होंने श्याम जी के सामने एक शर्त रख दी। त्याग तो सबसे पहला मैं बात बताऊं, जब हमने विस्तार पूरा करने के बाद जब माने श्याम जी का प्रवास उत्तराखंड में हुआ था, तो माने श्याम जी का प्रवास जब हुआ, हल्द्वानी में माने श्याम जी जब आए, उस समय मेरा विवाह तय हो गया था और मेरी उम्र भी 23 वर्ष हो गई थी, तो घर वालों को भी चिंता थी कि समय से शादी होनी चाहिए एक लड़की होने के नाते, तो मेरा विवाह तय हो गया था। लेकिन उस समय हमारा लखनऊ में बहुत बड़ा परिवर्तन कुंभ का आयोजन होने वाला था, जिस नाते माने श्याम जी ने मुझसे एक शर्त रखी कि आप इस विवाह को 1 वर्ष आगे कर दीजिए, और वो श्याम जी का आग्रह मैं नहीं टाल सकती थी, जिस नाते मैंने भी श्याम जी से, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर मैं इस विवाह को 1 वर्ष आगे करती हूँ तो आपको इस विवाह में आना पड़ेगा। श्याम जी ने भी बोल दिया ठीक है, मैं आपके विवाह में रहूँगा। श्याम जी को मैंने बोल दिया, लेकिन जब घर वालों से मैंने बात करी, घर वालों को थोड़ा चिंता थी, लेकिन जिस परिवार से मेरा संबंध जुड़ रहा था उन परिवारों से बात करना थोड़ा कठिन था, लेकिन उस परिवार में जब मैंने बात करी तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और 1 वर्ष के बाद मेरा विवाह जब तय हुआ तो माने श्याम जी के साथ साथ पूरा एकल परिवार, चाहे दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, सब जगह से भाई बहन, उत्तर प्रदेश से भी मेरे विवाह में सब लोग उपस्थित हुए। सुमन बताती है कि शुरुआत में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेट्रो में सफर करना मुश्किल होता था, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली के सारे रूट्स को समझ गई और समाज सेवा के जो कार्य हैं उनमें लगी रही और समाज में जो बदलाव लाने की उन्होंने ठानी थी उसके सफर में वो लगातार आगे बढ़ती रही।
सुमन ये बताती हैं कि एकल अभियान से जुड़ने के बाद संगठन का सुमन पर काफी विश्वास बढ़ गया और आज सुमन दिल्ली एकल श्रीहरि नगर संगठन प्रमुख है और अपना दायित्व बखूबी निभा रही हैं, सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं। कठिनाइयों का सामना मेरे साथ शुरू से ही प्रारंभ हो गया था, जब मैं एक वर्ष के बाद मेरा आचार्य में एक वर्ष तक मैंने आचार्य के पद पर कार्य किया। उसके बाद मेरी जो घोषणा हुई संच प्रमुख के दायित्व पे हुई। संच प्रमुख यानी 30 विद्यालय की देखरेख करना, वहाँ पे विद्यालय का की नियमितता करवाना, ग्राम समिति से संपर्क करना और सत्संग करवाना। इस नाते मुझे रात्रि प्रवास करना पड़ता था और मेरे गांव वालों ने मेरी बहुत सारी बुराइयां उस टाइम करी कि अधिक से जो बड़ी से बड़ी नौकरी वाले भी होते हैं उनकी ड्यूटी सुबह से शाम तक होती है, तो ये कौन सा काम है जो रात में होता है। लेकिन मेरे घर वालों को मुझे भरोसा था। घर वालों ने जब ये बात सुनी तो मेरे घर वालों ने सिर्फ गांव वालों को एक ही बात का जवाब दिया कि हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। धीरे धीरे मैंने अपने संच प्रमुख का दायित्व निर्वहन करते हुए मैं 300 विद्यालय में विद्यालय की नियमितता करवाती थी और शाम के समय ग्राम समिति संपर्क करके रात में सत्संग का आयोजन होता था। निजी जीवन में सुमन की एक नन्ही बिटिया है जिसकी देखभाल उनकी सासू माँ करती हैं। वहीं सुमन समाज सेवा के कामों में लगी रहती हैं। ये तो कहानी है सुमन की, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र और एकल के नाम कर दिया है और समाज को आगे बढ़ाने का काम भी वो कर रही हैं। ऐसी कई सुमन हैं जो देश के विभिन्न इलाकों में रहकर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और एकल अभियान को सफल बना रही हैं। ऐसी ही बेटियों के अथक परिश्रम की कहानी देखने के लिए एकल भारत को देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे लाइक शेयर जरूर करिए।